Hello, this is Standard of Physics. In this video, we will solve the exercise 3.9 of chapter 3, Current Electricity. So, question given is, determine the current in each branch of this network. So, the figure is given in the question. Book mein ye figure question mein diya hua hai. Ye jo current jo bhi yahan pe diya hua hai, I1, I2, I1 माइनस IG वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, वो हमने गेस किया हुआ, तो वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन का पार्ट है सिर्फ ये, एक सर्किट दिया हुआ है. सो दिस इज द विस्टम ब्रिज सर्किट एंड क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच. सो लाइक ए बी के बीच में क्या करंट है, बी सी में, डी यहाँ सी डी, फिर ये बी डी और यहाँ आउटर सर्किट में भी हर एक ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू के ऊपर से पता चलेगा, दिस 10 इंटू 10 100 और ये 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. सो 100 इज़ नॉट इक्वल टू 25. सो विस्टन ब्रिज इज़ नॉट इन बैलेंस कंडीशन. तो विस्टन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो डायगोनल ऑपोजिट ये दोनों रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन ये सामने वाले सेम डायगोनल ऑपोजिट रेजिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन जितना होता है. तो यहाँ पे दिस 10 इंटू 10 100 इज़ नॉट इक्वल टू 5 इंटू 5 विच इज़ 25. सो विस्टन ब्रिज इज़ नॉट इन बैलेंस कंडीशन. तो यहाँ से कुछ आईजी करंट जा रहा है. तो जब विस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो आईजी करंट यहाँ पे नहीं जा रहा होता है और उसको हम ओपन सर्किट कंसिडर करते हैं, फिर हमें सर्किट बहुत ही ईजी हो जाती है. बट इन दिस केस विस्टन ब्रिज इज़ नॉट इन बैलेंस कंडीशन एंड वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू ईच ऑफ द ब्रांच. सो लेट अस अज्यूम दैट द टोटल करंट पासिंग इन द सर्किट इज़ आई. यहाँ से आई करंट आया, सो इट विल बी डिवाइडेड इन टू I1 एंड I2. ए बी ब्रांच में से I1 जा रहा है, अगेन IG विल बी गोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर ब्रांच एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 आया, IG यहाँ से गया, तो यहाँ पे I1 माइनस IG हो जाएगा. अगेन यहाँ से I2 जा रहा है, IG यहाँ पे ऐड होगा. सो हियर अक्रॉस दिस DC ब्रांच करंट विल बी I2 प्लस IG. अगेन यहाँ से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG प्लस दिस I2 प्लस IG. तो यहाँ पे I2 प्लस I1 हो जाएगा. सो I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 ऐसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं. सो हमें हर एक ब्रांच में से करंट फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम हमारा ऐसा लॉजिक लगाएंगे, वी हैव I1 I2 एंड IG, वी हैव 3 अननोन. अगर हमें I1 I2 और IG मिल जाएगा तो हमें हर एक ब्रांच में से पास जो करंट हो रहा है वो हमें मिल जाएगा. जैसे कि ये AB के बीच में I1 है, तो I1 अगर हमें मिल जाए तो AB के बीच का करंट मिल जाएगा. अगर IG मिल जाएगा तो I1 माइनस IG को करके BC के बीच में का करंट फाइंड कर सकते हैं. सेम वे B और D के बीच का करंट हम फाइंड कर सकते हैं इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ IG. सो वी हैव 3 अननोन वैल्यूज, I1, I2 एंड IG. सो वी मस्ट अप्लाई किरचॉफ्स लॉ एंड वी मस्ट गेट 3 इक्वेशन सो दैट वी कैन सॉल्व दैट 3 इक्वेशन एंड गेट दी 3 अननोन. तो लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी सेम ऐसा क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ था कि जब हमारे पास x और y दो अननोन है तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगे तो x y सॉल्व हो सकते हैं. सेम वे x y z है, 3 अननोन है तो उसके 3 इक्वेशन होंगे तभी हमें यह सॉल्यूशन मिल पाएगा. सो वी हैव टू मेक 3 किरचॉफ्स लूप एंड गेट द 3 इक्वेशन एंड सॉल्व देम एंड गेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड IG. सो दिस इज द लॉजिक इन एंटायर एग्जाम्पल. फर्स्ट वील मेक द क्लोज लूप ABDA. तो यहाँ पे करंट जहाँ पे भी एंटर हो रहा है फॉर दैट रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल प्लस है, यहाँ पे माइनस है. जहाँ पे भी करंट एंटर हो रहा है दैट टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव और जहाँ से लीव हो रहा है वो टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव. यहाँ पे ऐसा कर दिया, नाउ दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो अप्लाइंग अ किरचॉफ्स लूप इन ABDA लूप, सो ए टू बी में जाएंगे, सो वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो वी हैव द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10, रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन, सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, यहाँ पे 10 और ये 5 ओम. सो 10 इंटू I1 माइनस 10 I1. अगेन बी टू सी में जाएंगे तो वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा नेगेटिव मिलेगा वो होगा माइनस 5 IG. अगेन डी टू ए वहाँ पे क्या होगा, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो वी हैव द पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीमेंट.
विच विल बी इक्वल टू प्लस 5i2। सेम वे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमें 10i1 माइनस 5i2 प्लस 5i इक्वेशन आ गया। नाउ वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप टू क्लोज लूप BCDB। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप इन दिस BCDB, फॉर BC वी विल हैव माइनस 5 इंटू i1 माइनस ig प्लस C2D में माइनस 2 पॉजिटिव मूव हो रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 इंटू करंट यहाँ पे i2 प्लस ig, सो प्लस 10 इंटू i2 प्लस ig। अब D2B में वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्लस 5 ig इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इंटू i1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ig, 10 मल्टीप्लाई होगा, सो 10 i2, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 ig, 5 ig। सिंपली इसको सॉल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके 5 i1 माइनस 10 i2 माइनस 20 ig इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन 2। नाउ वी कैन अप्लाई थर्ड लूप इन ADC, दिस कैन बी कंसिडर EF। इसको ई और एफ पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ADC, ई और एफ और ए ऐसा लूप ले सकते हैं। दूसरा लूप ये भी है ABC, दिस ई एफ एंड अगेन ए, हम ऐसा लूप भी ले सकते हो। सो इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन द क्लोज लूप ABC, दिस ई वाई दिस बैटरी अगेन एफ टू ए। सो अप्लाइंग अ किरचॉफ्स लूप टू क्लोज लूप ABC, यहाँ पे ई कंसिडर करना है और यहाँ पे एफ कंसिडर करना है एंड देन अगेन टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए टू बी माइनस 10 i1, बी टू सी वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव, सो नेगेटिव कंसिडर करना है, माइनस 5 इंटू i1 माइनस ig प्लस बैटरी हमारा यहाँ, अब यहाँ पे आ गए बैटरी के टर्मिनल में, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे, तो वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो रही है, तो प्लस 10 वोल्टेज। यहाँ पे प्लस टर्मिनल से नेगेटिव पॉइंट में जा रहे तो हमारी वैल्यू प्लस से माइनस हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो माइनस 10 i1 इज इक्वल टू 0। सो ये 5 i1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 5 i1 माइनस माइनस प्लस 5 ig प्लस 10 माइनस 10, ये i को, i की वैल्यू क्या है, i1 प्लस i2 है। अभी i लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव 4 अननोन्स, i1 i2 ig एंड i, बट अल्टीमेटली व्हाट इज i, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। सो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, i1 प्लस i2। ओके फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस 10 i1 माइनस 5 i1 5 ig 10 माइनस 10 इंटू i1 माइनस 10 इंटू i2, तो यहाँ पे इट माइनस 10 i1 माइनस 5 i1 माइनस 15 i1 और ये माइनस 10 i1, सो माइनस 25 i1, सो माइनस 25 i1, ये माइनस 10 i2 और 5 ig। सो वी आर हैविंग 3 इक्वेशन, 1, 2 एंड 3, वी हैव 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन। सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, लाइक हम XYZ फाइंड करते हैं अगर हमारे पास XYZ के 3 इक्वेशन, तो यहाँ पे अननोन हमारे i1 i2 और ig है। सो व्हेन वी सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा i2 और ये i2 एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी विल हैव इक्वेशन विथ वैल्यू ऑफ i1 और ig, यहाँ पे दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, सो i2 एलिमिनेट हो गया और मैंने ये 3 और 2 को सॉल्व किया, तो 30 i1 माइनस 25 ig इज इक्वल टू 10 आया। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके भी दिया हुआ है, वो आपको एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट एग्जाम में ये सॉल्व करके भी लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 2, सो 10 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 25, दिस इज 5, सो माइनस 31 i1 प्लस 25 ig इज इक्वल टू माइनस 10, तो इसको माइनस कॉमन लिया, सो 30 i1 माइनस 25 ig इज इक्वल टू 10। सो ये डायरेक्टली एग्जाम में आप लिख सकते हो, आपको सॉल्व करने की, आप रफ वर्क में सॉल्व करते हो, वो आपको एग्जाम में
सॉल्यूशन में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। अब हमारे पास इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर किया, सो वी हैव द इक्वेशन विथ वैल्यू ऑफ I1 एंड IG। नाउ अगेन ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें हमें क्या करना है, I2 को एलिमिनेट करना है। सो वी हैव सेम I1 और IG वाला कुछ इक्वेशन आएगा, बिकॉज कि ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन I1 और IG का तो फाइंड कर लिया, तो अभी दूसरा एक ऐसा इक्वेशन लाना है इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके, जहाँ पे हम I2 को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे I1 और IG का एक इक्वेशन हमारे पास है, तो वो दूसरा इक्वेशन आएगा और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें I1 और I2 IG मिल सकता है। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेटिंग I2 वी हैव दिस इक्वेशन। वो इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा 1 और इक्वेशन 2 I2 एलिमिनेट हो जाएगा। दिस विल बी 20-5, सो +15 I1, 20+10 30 IG इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। सो दिस इज इक्वेशन 5। नाउ इक्वेशन 4 एंड 5, वो दोनों को कंपेयर करके सब्सट्रैक्ट करके हमें I1 और IG की वैल्यू मिलेगी और वो ये वैल्यू है। इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 5 उसको मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 2, ओके, तो ही यहाँ पे I1 एक एलिमिनेट होगा एंड फिर 85 IG इज इक्वल टू -10, सो IG इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 85, सो वैल्यू ऑफ IG इज -2/17। सो IG मिल गया। सेम वे IG की वैल्यू अगर ये इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको एग्ज़ाम में सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये आपको रफ वर्क में करना है, ओके। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, आप डायरेक्ट इक्वेशन पुट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ये I1 IG मिल गया। नाउ I1 IG की वैल्यू हमें मिल गई है और वो वैल्यू अगर हम ये इक्वेशन 1 या 2 या 3 कुछ में भी रखेंगे तो हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड IG इन इक्वेशन 1 वी हैव द वैल्यू ऑफ I2। यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि भाई हमारे पास जो IG की वैल्यू आई है वो नेगेटिव है, विच इंडिकेट्स दैट करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी हमें करंट माइनस मिलेगा तो करंट माइनस नहीं हो सकता है, बट क्या हो सकता है, हमने IG यहाँ B2D में लिया हुआ है, ओके, तो माइनस मिला है, उसका मतलब कि करंट हमारा D2B फ्लो हो रहा है, ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ IG इज अपोजिट, तो इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव मिला है। नाउ I1, I2 और IG ये तीनों ही मिल गया, तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल A और B ब्रांच है। हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांच इन दिस सर्किट। सो फॉर AB ब्रांच करंट विल बी I1। सो I1 हमारा ये है। BC ब्रांच में क्या करंट जा रहा था, I1-IG, तो वो I1 और IG की वैल्यू पुट करोंगे, सो दिस इज 4-2, सो +6/17। ये सेकेंड भी सॉल्व हो गया। नाउ थर्ड BD जो गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच थी वो वहाँ पे हमारा -2 डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर। नाउ थ्रू CD, ये हमारा CD ब्रांच है, उसमें I2+IG है, सो I2 और IG दोनों को ऐड करना है, सो 6-2, 4 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा। अब AD ब्रांच में हमारा I2 करंट जा रहा है, दिस इज AD ब्रांच, हमारा I2 करंट जा रहा है, सो I2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 17। और आउटर सर्किट में हमारा जो टोटल करंट है, दिस इज I1+I2, सो ये 4/17 + 6/17, सो टोटल विल बी 10/17। सो ऐसे हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का कुछ भी सॉल्यूशन करना हमें पूछा हो तो सिंपली ऐसी फिगर में आपको करंट ऐसे अज्यूम करना है, I1 I2 यहाँ से IG, अगेन दिस विल बी I1-IG एंड दिस विल बी I2+IG, ओके।
तो कोई भी एग्जांपल होगा, आपको कुछ करंट फाइंड करना हो कोई भी ब्रांच में से, तो ऐसे हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे तीन अननोन थे, I1, I2 और IG, एंड वी हैव द थ्री इक्वेशन एंड अप्लाई मैथमेटिक्स एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड IG। फिर वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सब ब्रांच में से ये जो करंट पास हो रहा है वो हमें ये मिलेगा। सो दीस आर दी आंसर्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज जस्ट ए सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, वो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करके क्वेश्चन में लिख सकते हो।